सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय शिक्षक गणों व प्रिय देशवासियों का मेरे शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी TRS कुमार सुरेंद्र कुमार YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस वीडियो में जो देखेंगे वो आपके लिए उपयोगी वीडियो है। इस वीडियो का जो उद्देश्य है आप देख सकते हैं। आज की बेसिक शिक्षा समाचार अपडेट मार्च प्राइमरी का मास्टर सरकारी नौकरी समाचार दैनिक खबरों को देखते हैं। तो 7 जुलाई 2020 की शैक्षिक और एजुकेशनल अपडेट पर नज़र। पहली अपडेट आप देख रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, देखें यह विस्तृत न्यूज। और 69,000 से ही है भर्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार, CBI जांच, परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई कल। बिग ब्रेकिंग में देख रहे हैं कि 69,000 भर्ती, 7 जुलाई को होने वाली मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन अब 14 को सुनी जाएगी। तो यहाँ पर आप एक डेट देख रहे हैं जो 7 जुलाई को होने वाली मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर जो सुनवाई होने वाली थी वो अब आपको 14 को सुनी जाएगा था, 14 जुलाई को। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, 69,000 भर्ती से 7 जुलाई को SC में शिक्षा मित्र भी रखेंगे अपना पक्ष। नेक्स्ट अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती से 2 महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई 7 जुलाई को, और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देखे या विस्तृत न्यूज। CTET जुलाई 2020 परीक्षा निरस्तीकरण के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना, मैंने कल ही बताया था CTET जुलाई 2020 की जो परीक्षा थी उसका निरस्तीकरण के बारे में संबंध में यहाँ सार्वजनिक सूचना दी गई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती केस आकस्मिक लिस्टिंग के सापेक्ष ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन तैयार, आज होगी दाखिल, टीम रिजवान अंसारी। नेक्स्ट अपडेट सब 69,000 से है। आप देख रहे हैं कि साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में धैर्यपूर्वक पूरी बात पढ़ें, समझें और संयमित होकर टीम के साथ खड़े हों। आप सब संयुक्त लीगल टीम 69,000 की कलम से। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को एकजुट रहने की बात की गई है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 72,825 और 29,334 भर्ती, जो कि लगभग 72,825 तो 5 साल लग गए थे, और 29,334 भर्ती जिसमें मेरा दोनों में था, 72,825 में भी मैं था, उसमें भी मेरा सब कुछ हो चुका था, ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, परीक्षा, इसके बाद मौलिक नियुक्ति लेने से पहले ही मेरा जूनियर में साइंस मैथ के रूप में हुआ, और फिर मैं अम्बेडकर नगर में हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग भी इस भर्ती में 72,825 में मैंने 5 साल अपने जीवन के व्यतीत किए, और 29,334 साइंस मैथ जो जूनियर में डायरेक्ट भर्ती थी उसमें भी 3-3.5 साल लगा नौकरी पाने में। तो इस प्रकार से आप लोग भी धैर्य बनाए रखें, निश्चित रूप से आप लोगों की जीत होगी और एक दिन आप 69,000 शिक्षक हमारे इस बेसिक शिक्षा परिषद में कदम रखेंगे और अपने कर्मनिष्ठ रास्ते पर चलते हुए अच्छे से अच्छा बेसिक शिक्षा को देने का प्रयास करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट हम लोग देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से अनियमितता, भ्रष्टाचार, CBI जांच, परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई कल। तो CBI जांच और जो परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई कल होगी, 69,000 भर्ती से ही है। इसके बाद समस्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक उपरोक्त पत्र में दिए गए संलग्न प्रारूप पर सभी शैक्षिक अभिलेखों व
अन्य अभिलेख को स्वपरिमाणित कर सूचना दो प्रतियों में अलग अलग फाइल में दो कार्य दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करें। तो ये आप देख रहे हैं फर्जीवाड़े से संबंधित है, जिसमें हेड टीचर्स, असिस्टेंट टीचर और शिक्षा मित्र, अनुदेशक सभी को कहा गया है कि ये दिए गए जो प्रारूप है इसके साथ शैक्षिक अभिलेखों व अन्य अभिलेखों के स्वपरिमाणित सूचना दो प्रतियों में अलग अलग फाइल में दो कार्य दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करें। ये सूचना है। अमेठी से शिक्षा मित्रों के अभिलेखों का भी होगा सत्यापन। स्कूल को बंद रखने संबंधी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या दी गई है, और इसमें जो बताया गया है कि अनुपालन के संबंध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन, प्रयागराज से है। फर्जी शिक्षकों की बड़ी मुश्किलें, अब बर्खास्त किए गए शिक्षकों से होगी वेतन की रिकवरी। शिक्षा मित्र व अनुदेशकों पर नज़र मांगा जा रहा है। रिकॉर्ड मानव संपदा पोर्टल से खंगाली जा रही है डिटेल। बेसिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन झांसी ने मंडलयुक्त महोदय से शिक्षकों को रोस्टर से स्कूल बुलाने व महिला कर्मचारियों को विभागीय कार्य घर से करने की मांग। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं EHRMS पोर्टल से है। मानव संपदा पोर्टल पर डाटा फीडिंग लापरवाही पर शिक्षकों के साथ खंड शिक्षा अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई, तो टीचर्स के साथ साथ BEO भी अधिकारी पर भी कार्रवाई होने की बात है EHRMS पोर्टल। तो कृपया सभी लोग अपने डाटा को सही कर लें। मानव संपदा के जो डाटा है इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर यूट्यूब चैनल से, मेरी 3-4 वीडियो इस पर मैंने बनाया मानव संपदा पोर्टल पर, तो आप आसानी से देख सकते हैं। उसमें सभी प्रक्रियाओं को बताया गया है सरल और व्यवहारिक तरीके से। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण TOT के संबंध में, और राज्य पुरस्कार अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया दिशा निर्देश एवं समय सारणी के संबंध में। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के परिसर में इंटर स्तर कक्षा 9 से 12 तक उच्चीकृत किए जाने हेतु एकेडमिक ब्लॉक एवं छात्रावास के भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था के मध्य समीक्षा बैठक दिनांक 29/6/2020 का कार्यवृत्त। नेक्स्ट अपडेट देख रहे हैं फर्जी शिक्षकों के संबंध में दिनांक 8 जुलाई 2020 से 10 जुलाई 2020 तक अपराह्न 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आयोजित समीक्षा बैठक के संबंध में है। नेक्स्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज में आप देख रहे हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका कि 7 जुलाई को होने वाली मॉडिफिकेशन अप्लीकेशन अब 14 जुलाई को सुनी जाएगी 79,000 भर्ती में। और KBS से आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन होगा 20 जुलाई तक नतीजे, और सर्व शिक्षा के खाते में ट्रांसफ़र होगा रुपया, अब बंद किया जाएगा ग्राम शिक्षा निधि का खाता, फर्जी शिक्षक से ही है। नेक्स्ट अपडेट आप 79,000 से है, ऑलरेडी मैं बता चुका। बेसिक शिक्षा की सूरत हाल, स्कूल में एक भी बच्चा मिड डे मील नहीं खाता पर शिक्षक तैनात, 1.5 दर्जन जिलों ने दर्ज की आपत्ति। आज से खुलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट खुलने की बात की गई है। नेक्स्ट अपडेट, आज से खुलेंगे माध्यमिक स्कूल, शिक्षकों को जाना होगा स्कूल जबकि शिक्षक कर रहे हैं राहत की मांग। आज से खुल चुका है अर्थात 6 जुलाई से। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पर बड़ा असमंजस, आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं। नेक्स्ट अपडेट, TGT PGT से चयन बोर्ड पर लगेगा अभ्यर्थियों का जमघट। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं इंटरव्यू के कार्यक्रम पर टिकी नज़र, PCS 2018 के इंटरव्यू का आज जारी होगा विस्तृत कार्यक्रम। मैंने आपको बताया ही था कि 13 जुलाई से PCS इंटरव्यू होना है, तो आज उसका जो है पूरा विस्तृत कार्यक्रम जारी होना था। तो PCS 2018 में सेलेक्टेड कैंडिडेट को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नेक्स्ट अपडेट, विधि कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द। और आप नेक्स्ट मानव संपदा पोर्टल से देख रहे हैं, शिक्षक हुए परेशान, डाटा फीडिंग में त्रुटि के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं, सोनभद्र से है।
वर्ष 2010 के पश्चात व जुलाई 2018 तक नियुक्त पदस्थापित परिषदीय शिक्षकों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की कार्रवाई के संबंध में दस्तावेजों को जमा करने का आदेश जारी। आगरा से देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविलियन की कार्रवाई संपादित कराने विषयक नियम और निर्देश, और बीईओ की लापरवाही पर परिषदीय शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की आपत्ति, मानव समता से संबंधित है। हरदोई, बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही, वेतन की रिकवरी में हो रही देरी। कासगंज से बेसिक स्कूलों के शिक्षकों में 52 बिंदुओं पर मांगा गया जवाब। फतेहपुर, निःशक्त भत्ता लेने वाले शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ी, अब होगी जांच। और CTET जुलाई 2020 परीक्षा निरस्तीकरण के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना। और नेशनल ओपन स्कूल बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा स्थगित, NCERT कराएगा योग प्रतियोगिता। स्कूल की किताबों से अब महिला सशक्तिकरण का हुआ बोलबाला। तो ये आप जितनी अपडेट देख रहे हैं नीचे के, लगभग मैं कल 6 जुलाई को आपको बता चुका हूँ, तो ये नीचे के अपडेट लगभग वही है। UPSC समय से परीक्षा परिणाम रचाचार्य के सुराग भी, सवाल उठाने वालों पर आयोग मौन। कल से खुलेंगे 15 से ऑनलाइन पढ़ाई होगी, ये तो मैं ऑलरेडी बताया था, माध्यमिक स्कूलों की है। और साक्षात्कार देखिए आ गया, PCA 2018 का साक्षात्कार 13 से देखे विज्ञप्ति, मैं कल ही ऑलरेडी ये बता दिया था। तो नीचे की जितनी न्यूज़ें हैं ये सब ओल्ड न्यूज़ है, क्योंकि वेबसाइट पर ओल्ड न्यूज़ नीचे भी दिखाता है, जो लेटेस्ट न्यूज होती हैं वो ऊपर होती है। नीट JEE मेन 2020 मैं ऑलरेडी बता चुका था कि परीक्षाएँ हुई स्थगित, अब सितंबर में हो गए एग्ज़ाम। तो आप देख रहे हैं कि इधर जितनी न्यूज़ है ये सब ओल्ड न्यूज़ है। कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 2020 की अवकाश तालिका के लिए यहाँ पर क्लिक करें, हॉलीडे तालिका, तो आप यहाँ से इसको अवलोकित कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से जूम कर देख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तैसे ही राइट बटन, यहाँ पर आप हाथ से इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये इमेज देखिए यहाँ पर लिखा रहा है डाउन इमेज। जैसे ही इस डाउन इमेज पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रही है और फाइलें डाउनलोड हो गई। जैसे इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे ये फाइल आपके खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हॉलीडे की लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से हॉलीडे लिस्ट ऑथेंटिक और शिक्षा विभाग से जारी जो प्रमाणित छुट्टियाँ हैं वो आप यहां से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बैक चलते हैं, इस तरीके से आज आपने पूरे अपडेट देखे। अब आपको जो प्राइमरी का मास्टर एप्स पर, यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट है कि सर्व शिक्षा के खाते में ट्रांसफ़र होगा रुपया, अब बंद किया जाएगा ग्राम निधि का खाता, शिक्षा निधि का खाता। इनकम टैक्स विभाग ने TDS फॉर्म में किया बदलाव, अब टैक्स कटौती नहीं करने की भी देनी होगी जानकारी। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि ITR से संबंधित सभी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूँगा और स्वयं आपको इतना कॉन्फिडेंस लाऊँगा और आपके अंदर इतना विश्वास उम्मीद जगाऊँगा कि आप स्वयं अपना ITR भरने के लिए तैयार हो जाएंगे और स्वयं भर ले जाएंगे, मुझे ऐसा आशा और विश्वास है। इसके प्रयास में मैं आगे कोशिश करूंगा, इससे संबंधित वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। केंद्रीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन होगा, 20 जुलाई तक नतीजे। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, स्कूल में मिड डे मील एक भी बच्चा नहीं खा रहा लेकिन शिक्षक तैनात। 1.5 दर्जन जिलों में आई ऑडिट, आपत्तियों पर मांगा गया BSA से जवाब। नेक्स्ट अपडेट देख रहे हैं, मानव संपदा फीडिंग में लापरवाही पर शिक्षकों के साथ BEO पर भी होगी कार्रवाई। और शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों पर नज़र, मांगा जा रहा रिकॉर्ड, मानव संपदा पोर्टल से खंगाले जा रहे डिटेल। और शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों पर नज़र, सेम वही न्यूज है। विधि कॉलेजों की परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, UGC 1-2 दिन में कर सकता है फैसला। और नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, LT ग्रेड रिजल्ट पर बड़ा असमंजस, परिणाम आएगा या निरस्त होगी परीक्षा,
UPPSC ने स्पष्ट नहीं की स्थिति। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगभग सब न्यूज़ वही होती है जो आप ऐप्स में देखते हैं, तो वहाँ से वेबसाइट से भी सेम न्यूज़ है। ऐसे ही न्यूज़ और एजुकेशनल और शिक्षा से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप मेरे शैक्षिक यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसे उपयोगी वीडियो पाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।